कैसे चेंज होता है ट्रैक। देखो पटरी जाती है, लोको को ये नहीं पता किधर जाना है। WAG-9 किसी भी लोको पायलट को खुद से पटरी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और देखो वहाँ से चेंज हो रही है, वहाँ से चेंज हो रही है। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके इस YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। मैं हूँ धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रेवल हैक। दोस्तों आपने हमसे कहा था कि ट्रैक कैसे चेंज होता है, पटरी जो ट्रेन जाती है वो कैसे डिसाइड होता है कि एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा कि कोई कोई लोको पायलट के पास हैंडल या कंट्रोल नहीं होता जो घुमाए और ट्रेन चलने लगी, नहीं तो बवाल ही हो जाएगा। इतना स्पीड में आप सोच भी नहीं सकते हो कि पटरी कैसे चेंज होगा। तो ये काम स्टेशन मास्टर का रहता है और स्टेशन मास्टर ट्रैक का लाइन बनाते हैं। और वो लाइन बनाने का क्या मतलब होता है, ट्रेन जिधर से आ रही है और किस ट्रैक पे जाएगी वो डिसाइड होता है कंट्रोलर से। और कंट्रोलर इंस्ट्रक्ट करते हैं स्टेशन मास्टर को और स्टेशन मास्टर पैनल पे बटन दबाते हैं और सर्किट से चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ जगह है जो यार्ड वगैरह होती है, पुरानी यार्ड है, वहाँ पर मैनुअली ये काम होता है। आपको अभी बताऊँगा ये जो आप देख रहे हैं मैनुअल वाला प्रोसेस, उसी से पटरी का चेंज हो जाता है। लोको आएगी किस ट्रैक पे जाना है और सारा डिसाइड होता है। देखो पटरी जाती है, लोको को ये नहीं पता किधर जाना है, पटरी जिधर जाएगी रेल उधर ही जाएगी। तो पटरी जिधर उनका लाइन बना रहेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में जाना रहेगा उसी डायरेक्शन में जाएगी। अभी एक लोको उधर से आएगी डबल होके इधर जाएगी आगे की ओर और फिर वो ट्रैक चेंज करेगी। वो आपको मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे चेंज किया है। इसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं आपको रफली बताऊं तो देखो ये जो आप देख रहे हो अभी ये चिपका हुआ है, ये ट्रैक चिपका हुआ है। चिपका हुआ है मतलब अभी इस लाइन पे जाएगी जिस पे चिपका हुआ है और उधर निकला हुआ है। देखिए अभी आ रही है, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। अभी एक लोकोमोटिव आ रहा है और ये लोकोमोटिव देखिए अभी किस ट्रैक पर जाएगी। तो अभी जो देखोगे आप जो बना हुआ है ट्रैक, WAG-9 + WAP-7, तो ये देखो अभी चला गया। अब क्या होगा, ये थोड़ा आगे जाने के बाद थोड़ा और आगे लेना पड़ेगा। आगे लेने के बाद क्या करेंगे, पॉइंट मैन इसका ट्रैक को चेंज कर देंगे। तो देखो अभी पटरी घूमेगी इधर, इनको बताया जा रहा है थोड़ा और आगे लीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं ट्रैक बना हुआ अभी उधर गई, अभी इसको भेजना है दूसरे लाइन पे, मतलब ये अभी उस साइड की ओर जाएगी। तो देखिए अभी ये लोकोमो से चेंज होगा और चेंज होने के बाद देखो अभी पॉइंट बनेगा और वो चेंज होगा। देखिए पटरी चेंज होगी, अभी देखिए पटरी चेंज हो गई। अब क्या होगा, अब अगर लोको जाएगी तो ये उस ट्रैक पर चल जाएगी, मतलब अभी जो उस साइड आप देख रहे हो डायरेक्शन में उधर चली जाएगी। इसमें लोको पायलट को कुछ नहीं करना होगा, अभी बस देखिए ये पॉइंट बना रहे हैं ताकि कुछ रिस्क ना रहे। पॉइंट बनने के बाद ये अभी उस ट्रैक पे चली जाएगी जो राइट साइड से गया हुआ है, उधर की ओर चली जाएगी। तो देखिए अभी बताता हूँ आपको कैसे चेंज होगा। गोमो का WAP-7 अभी जो जाएगी पटरी वो इस वाले ट्रैक पे जाएगी, क्योंकि ये अभी टच हो गया है और उस साइड देखो गैप हो गया है। इस साइड अगर आप देखोगे तो गैप हो गया है, अभी लोको उधर नहीं जाएगी। लोको अभी इस जो फर्स्ट वाला पटरी है उस पर नहीं आएगी, उसके बाद उसके साइड वाले पे जाएगी और इसको ट्रैक करते हुए इधर से चली जाएगी। तो देखिए वो दिखाता हूँ अभी। ये हर जगह ऑटोमेटेड हो गया है, किसी भी लोको पायलट को खुद से पटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो पैनल के थ्रू होता है, बटन दबाते हैं और जिस ट्रैक पे लाइन बना हुआ है स्टेशन मास्टर ट्रैक बनाते हैं, लाइन बनाते हैं और उसी पे होता है। अभी देखिए ये लोको आ रही है और एकदम स्लोली, देखना आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा आपको।
आइए आइए और अभी देखिए किस ट्रैक पे जाएगी, देखना ये इस वाली पे चली जाएगी। देखिए चेंज हो गया, चेंज हो गया, देखा आपने कैसे चेंज हुआ लोकोमोटिव, कैसे चेंज हुआ ट्रैक। तो यही प्रोसेस देखो वहाँ से चेंज हो रही है, वहाँ से चेंज हो रही है, और यही फंडा सब जगह अप्लाई होता है, कोई नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। देखिए हो गया चेंज, अभी ये उधर चला जाएगा। अभी क्या होगा, अभी उसको कट हो जाएगा, WAG9 वाला कट के रह जाएगा। तो अभी एक बार फिर आपको दिखाऊंगा, जो अभी अभी डबल इंजन गया है वो कट के सिंगल आएगा, और फिर अभी ये सिंगल वाला इस ट्रैक पे चला जाएगा। अभी देखो जिस साइड से आ रही है और आने के बाद फिर दूसरा लाइन में जाएगी। और आपको बता दूं, ये रेलवे कर्मचारी सब अपना समर्पण देते रहते हैं, रेलवे की सेवा करते रहते हैं। और आप देखो अभी लोको आ रही है, जिस डायरेक्शन से आ रही है उसके बगल वाले ट्रैक पे जाएगी आगे जाके, और पटरी दिखाता हूँ कैसे चेंज होगी। देखो आप ये अभी चली गई आगे की ओर, और अभी किस तरह से चेंज हो रही है। चेंज होने के बाद अब क्या होगा, आगे रुकेगी जाके, ठीक है, ये आगे जाके रुक जाएगी। और अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, ये पटरी इधर से उधर की ओर जाएगा, वो भी आपको दिखाता हूँ। देखो अभी ये चेंज हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी, देखिए अलग हो गया। अब जो ट्रेन आएगी वो इस ट्रैक पे जाएगी, इस ट्रैक पे होते हुए चली जाएगी। तो इस तरह से ही पटरी चेंज होता है। देखिए अभी जा रही है और दूसरे ट्रैक पे अभी चली जाएगी। और ये इस तरह से पटरी चेंज हो गई। तो ये वीडियो में मैं आपको यही बता रहा था जो पटरी कैसे चेंज होती है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ट्रेन का ट्रैक कैसे चेंज होता है, और यही फंडा सब जगह अप्लाई होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पे आ ही गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं, इस तरह के कॉन्टेंट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।